कटनी में टीआई ने वर्दी में ड्यूटी के दौरान वन मंत्री विजय शाह के पैर छुए, जो कि प्रोटोकॉल और नियम के विरुद्ध था। टीआई भूल गए कि वे ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी के दौरान किसी भी मंत्री या नेता के पैर नहीं छुए जाते। टीआई को अपनी नहीं तो कम से कम पुलिस की वर्दी का तो ध्यान रखना चाहिए था। टीआई का मंत्री के आगे नतमस्तक होने का वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है। बरही टीआई शंकर सिंह का मंत्री के पैर छूने का वीडियो वायरल होने के बाद जनता के सामने पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है और ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री विजय शाह कटनी दौरे पर थे। इस दौरान विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक भी मौजूद थे। तभी ड्यूटी पर मौजूद टीआई शंकर सिंह ने मंत्री के पैर छूकर चरण वंदना की। ड्यूटी के दौरान वर्दी में किसी भी नेता या मंत्री के पैर छूना शिष्टाचार तो नहीं हो सकता और ना ही ये प्रोटोकॉल या नियम संगत है। इसका मतलब तो एक ही होता है कि मंत्री के सामने नंबर बढ़ाना। हालांकि इस पर टीआई शंकर सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि मंत्री के मामा के लड़के से उनकी बेटी का विवाह हुआ है, इसलिए वह उनके रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार सहित माता पिता के पैर पड़ना अपराध नहीं है। लेकिन टीआई साहब ये भूल गए कि वर्दी और ड्यूटी के दौरान आप किसी के रिश्तेदार नहीं होते। रिश्तेदारी तो आप बाद में भी निभा सकते थे, अभी वर्दी की तो गरिमा का ख्याल रख लेते। बहरहाल ये आपकी गलती नहीं, सिस्टम ही कुछ ऐसा हो चला है कि नियम और कानून से ऊपर भी बहुत सारी चीजें मानी जाने लगी हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।